सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम फिर से खेलने वाले हैं द सेम गेम नेम RC22। और गाइस ये वाला मैच हो रहा है क्राउन वन के बंदे के साथ। लिटरली गाइस अपोनेंट है क्राउन वन पे। और गाइस टॉस का टाइम है, कहीं ना कहीं अगर हम टॉस जीते हैं तो फिर मजा आ जाएगा। तो भाई देखते हैं, अब हम हेड्स का कॉल किए हैं और शायद इस मैच में हम टॉस जीत नहीं, भैया नहीं जीत सकते भाई, हमेशा तो टॉस नहीं जीत सकते। यहाँ पे हम टॉस हार चुके हैं फाइनली और करेंगे सबसे पहले गेंदबाजी। और हमारे गेंदबाज होने वाले हैं तस्किन अहमद। और कहीं ना कहीं अगर अपोनेंट क्राउन वन पे है तो इनका भजड़ा सा ताड़ देगा, लेकिन देखते हैं क्या होने वाली है। पहली गेंद हम करने वाले हैं, स्विंग गेंद होने वाली है और थोड़ी सी यहाँ पे अपोनेंट की नेटवर्क खराब है। और फुल पेस वाली बॉल, अपोनेंट ने खेला 513। मैं बता दूं भाई, सबसे बेस्ट कोई शॉट है इन स्विंग के लिए तो वो है 513 101। और भी बहुत सारे शॉट्स हैं, मैंने वीडियो बना के रखी है। देखो अपोनेंट पहले ही पोजीशन गेस कर ले रहा था, हर एक बॉल पे का यही परेशानी हो रहा था, लेकिन हमने बाउंसर डाल दी थी। अपोनेंट गेस भी सही किया था, लेकिन यहाँ पे गलती कर बैठा पेस की वजह से। अगर पेस कम रहता तो ये बाउंड्री के बाहर जाता। इस बार हमने सोचा चलो यार एक वाइड यॉर्कर करके देखते हैं। अपोनेंट कहीं ना कहीं अगर 175 खेलता है, नहीं कहाँ से खेलेगा 175 भाई, 4-4-3 खेल के भेज दिया बॉल को बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए। तो गाइज पहले बॉल पे 6, दूसरे बॉल पे विकेट, तीसरे बॉल पे 6, तो कहीं ना चौथे बॉल पे विकेट मिल जाए। ओ माय गॉड, ये क्या सिनेरियो भाई। ये देखो पहला छक्का, दूसरा विकेट, तीसरा छक्का, चौथा विकेट, अलग सीन बन चुका है। चलो गाइज अब यहाँ पे कहीं ना कहीं छक्का से बचना पड़ेगा, क्योंकि इस बार लग रहा है कि छक्का आना पड़ जाए। देखने वाली बात होगी, क्योंकि भाई अपोनेंट है क्राउन वन पे और कोई भी बंदा भाई क्राउन वन पे ऐसे नहीं पहुंच सकता भाई। जो भाई रैंक पुश करते होंगे वो अच्छे से पता है भाई कितना मेहनत करनी पड़ती है क्राउन पे जाने के लिए। तो भाई फाइनली हम ये बॉल तो डर्ट करवा चुके हैं, लेकिन आखिरी गेंद जो होने वाली है वो किस तरह की होने वाली है देखने वाली बात होगी। ये होगी आखिरी ओवर की, आखिरी बार आखिरी बॉल थी इस ओवर की। और फाइनली 166 के साथ अपोनेंट ने भाई तस्किन के ओवर से 3-3 छक्के निकाले। हालांकि 2 विकेट हमने जरूर गवाया था, सॉरी गाइस हमने 2 विकेट लिया था। और इस बार हमारी तरफ से गेंदबाजी करेंगे राधा कृष्णन। कहीं ना कहीं राधा कृष्णन की भाई गेंदबाजी एक अलग सीन क्रिएट कर सकती है, नहीं कर सकती भाई। अपोनेंट सही शॉट खेला था, उसको लगा था अगर बॉल ज़्यादा टर्न नहीं करेगी तो आसानी से वाइड मिल जाएगा, लेकिन इस विकेट कीपर के सस्ते नशे देखो वहीं पर खड़ा था, लेकिन उससे बॉल रुकी ही नहीं। चलो गाइज कोई बात नहीं, एक और गेंद हम करेंगे, इस बार धीमी गति से गेंद करेंगे। अपोनेंट कौन सा शॉट खेलेगा, 147 और सीधे हाथ में। अगर गाइज आप 147 खेलते हैं तो मैं बता दूं ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट बहुत कम इस शॉट को ट्राई करो, क्योंकि कभी कभी अगर कैरम गेंद रही आप थोड़ा सा भी लेट करोगे तो फिर 38 सर्कल में ही पकड़े जाओगे कैच। लेग स्पिनर के अगेंस्ट खेलो, बढ़िया है, यहाँ पे अच्छा शॉट जरूर है। मुझे लगा ये विकेट होगी, लेकिन पता ना क्या सीन बन गया यहाँ पे। जब तक गेंद थ्रो होगी यहाँ पे 3 रन पूरा करेगा अपोनेंट, और इसी के साथ अपोनेंट ने स्कोर अच्छी खाती है। देखो भाई ओवर थ्रो की मतलब फायदा उठाने की कोशिश डायरेक्ट हिट के साथ करेंगे यहाँ पे एडम माक्रम का बहुत बड़ा विकेट। एडम माक्रम शायद ये प्रो कार्ड है या तो प्लेटिनम तो कन्फर्म है भाई, मुझे शायद ध्यान नहीं आ रहा है, शायद प्रो या प्लेटिनम होगा मेरे ख्याल से। चलो भाई इस बार हम एक और गेंद थोड़ी सी फुल पेस वाली करने वाले हैं। अब तक जो है राधा कृष्णन बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी है क्राउन वन के सामने। 4 बॉलों में 5 रन देना, 1 विकेट लेना आसान नहीं है। इस बार बढ़िया शॉट खेल दिया, अच्छा कनेक्शन बना यहाँ पे बैट का और मिल गया आसानी से चौका। इस बार होने वाली है आखिरी गेंद जो कि होगी कैरम। एकदम भाई हम रखें इसको फुल लेंथ के करीब। अगर गाइस यहाँ पे अपोनेंट देख लो पहले ही पोजीशन कर ले रहा है, आप सामने देखो गाइस कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ना गाइस अभी मैच खेलने में। और गाइस देखो मैं बताता हूँ, अभी मेरे को भाई एक गोल्ड वन का प्लान मिला था, मैं उसका रिकॉर्ड ही नहीं किया था क्योंकि मैं गोल्ड वन का मतलब वीडियो डालता नहीं हूँ। तो देखो क्या हुआ था कि मैंने पूरा ओवर में 5 ओवर पूरा फेंका, वहाँ पे मेरे 9 विकेट गिर चुके थे, लास्ट मतलब विकेट बचा था क्योंकि मैं रन ही नहीं ले रहा था, और मैंने स्कोर करे थे वहाँ पे 14 रन। अपोनेंट भाई एक ही ओवर में मैच खत्म कर दिया, मतलब एक बॉल में ही मैच खत्म कर दिया। फिर मुझे लगा भाई क्या करूँ भाई, ना तो कोई ऑप्शन है अपने पास कि ऑप्शन मतलब कि किसी को रिपोर्ट कर सको, क्योंकि बंदा जब तक वो टेक्स्ट मतलब ओपन नहीं करता है, मैसेज नहीं कर सकता है, तब तक गाइज आप उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते हो। क्योंकि RC22 के जो डेवलपर हैं उनको भाई अच्छे से पता था भाई इस गेम का हैक लाना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन भाई इंडिया में भाई कुछ भी पॉसिबल है। आखिरकार बंदों ने हैक ला ही दिया है और अब डेवलपर को खुद डेवलप होना पड़ेगा ताकि इस हैकिंग को भाई जल्दी से जल्दी बंद किया जाए। हालांकि चलो देखते हैं कहाँ तक जाती है, किस तरह की गेम होती है, क्या ये भी गेम हैकिंग की वजह से परेशानी क्रिएट करेगी, देखने वाली बात होगी। चलो गाइज कोई बात नहीं, बढ़िया शॉट खेला है यहाँ पे। और भाई हैकिंग का सबसे बड़ा दिक्कत उन प्लेयर को होगा जो भाई मेहनत करके रैंक पुश करते हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको होने वाला है। जो भाई नॉर्मली खेलते हैं उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा भाई, वो हैकर आए या फिर कोई भी आए।
चलो गाइस यहाँ पे कैरम गेंद होने वाली है और कैरम गेंद जो होगी वो कहीं ना कहीं भाई अपोनेंट को परेशानी क्रिएट कर सकती है, क्योंकि लेंथ जो है हमने अच्छी करी है। एक गलत, बहुत गलत शॉट, मैं बता दूं अपोनेंट के पास था 514 नंबर शॉट और अपोनेंट जो है अपना प्रीसेट जो था वो अलग स्विच कर लिया था, इस वजह से यहाँ पे दिक्कत हो गया। तो भाई इस तरह के मिस्टेक होते हैं और अक्सर तब होते हैं जब आपसे रन नहीं बनते हैं, उस टाइम ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है और उसी प्रेशर में आप इस तरह की गलती कर बैठते हो। यहाँ पे सर्वर की कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हमें फ़ायदा मिल चुकी है, एक गेंद डॉट हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं गेंद डॉट हो गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने अपोनेंट के 6-6 विकेट निकाल दिए हैं। शायद ये आखिरी जोड़ी है, यहाँ पे गोल शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन ये शॉट खेलने के लिए आपको पोजीशन सही करना पड़ेगा। हालांकि विकेट मिल चुका है, विलियम्स की होने वाली है आखिरी गेंद। अब तक विलियम्स ने 5 बॉल में मात्र 4 रन देकर के 2 विकेट निकाली है। इस बार आखिरी गेंद शॉट, अच्छा बिल्कुल बढ़िया शॉट खेला, लेकिन कम्बिनेशन भाई जो था वो अच्छा नहीं बना, कनेक्शन नहीं बना। कम्बिनेशन तो अच्छा था लेकिन कनेक्शन नहीं बना, और कम्बिनेशन भाई हम अलग, भाई क्या ही डायरेक्ट हिट लगी थी यार, अलग सीन बन चुका था। और इस बार हम आखिरी ओवर लेके आए शादाब खान को, 41 रन बने हैं। हमने सोचा यार चलो इसके ओवर से 7-8 रन बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब क्या होने वाली, पहली गेंद हमने डाली थी यहाँ पे लेग स्पिन ताकि अपोनेंट इसको फ्लीपर समझे, लेकिन नहीं, देख लो क्या ही रिजल्ट मारिया यहाँ पर रदरफोर्ड ने छक्के के लिए। सोचो फिर हमने सोचा यार चलो यार एक बार इसको फ्लीपर करके देखते हैं, इस बार थोड़ा सा लेंथ हमने आगे कर दी ताकि यहाँ पे 431 कनेक्ट ना हो, लेकिन देखो इसको भी कनेक्ट कर लिया। कभी कभी आपकी किस्मत खराब रहेगी ना तो भाई अलग सीन बन जाएगा। नोकिया जो है ना, नॉर्जे जो है वो भी भाई 6 बॉल पे 6 छक्के खा लेंगे जिस दिन आपकी किस्मत खराब रहेगी। हाँ लेकिन मुश्किल है, लेकिन कुछ पॉसिबल है। इस बार देखते हैं यहाँ पे एक बहुत गलत शॉट, ये शॉट क्यों खेलने की कोशिश करी थी अपोनेंट ने, शायद यहाँ पे 4-4-3 खेलने की कोशिश थी अपोनेंट की। चलो गाइस कोई बात नहीं, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक या फिर जो भी हो, हमें तो भाई बेनिफिट मिला है। आखिरी विकेट होने वाली है, क्या इस बॉल पे होगा ये इनिंग खत्म? बिल्कुल हो चुका है, मैंने बोला था ना इस अपोनेंट के पास 514 नंबर का शॉट था और उसी शॉट को खेला यहाँ पे, लेकिन अच्छा से कनेक्शन ही नहीं बना, बैट पे ही नहीं आई बॉल और विकेट में लग गई, और फाइनली अपोनेंट को हमने 52 रनों पर रोक दिया है और हमें गाइस जब स्कोर करने हैं 52 रन हमें स्कोर करने, पहली बॉल को 220 के साथ भेज दिया है बॉल को बाउंड्री के बाहर यहाँ पे चौके के लिए, पहली बार राधा कृष्णन के चौका आ चुका है। इस बार गोल शॉट 500 गैप में गेंद सिंगल मिलेगा यहाँ पे, शानदार गेंदबाजी करते हुए राधा कृष्णन, दोनों तरफ हमारी तरफ से तो बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी, लेकिन नहीं नहीं बच सकते भैया, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, यहाँ पे मिल गया चौका, शानदार गेंदबाजी और शानदार बल्लेबाज, ओ माय गॉडनेस ये कैसे मिस हो गया यार, शायद बॉल ने थोड़ा सा ज़्यादा बाउंस हो गया, हम पोजीशन सही नहीं कर पाए थे। चलो गाइस कोई दिक्कत नहीं है, अगली गेंद पे हम ट्राई करेंगे 101 और भेज दिया बॉल को बाउंड्री के बाहर चौके के लिए, एक कमाल का शॉट आता हुआ राधा कृष्णन के अगेंस्ट। इस बार भाई यहाँ पे महेश आए हैं और पहली गेंद को हम खेलने वाले हैं गोल शॉट, दीजिए पहले गेंद को हमने तारों के शहर में भेज के छक्के से करिए शुरुआत इस ओवर की। इस बार अपोनेंट यहाँ पे आर्म गेंद और भेज दिया इसको भी बाहर, बिल्कुल बाहर गई गेंद चौके के लिए, 2 बॉल में 10 रन हमने स्कोर कर दिया। हालांकि रन ज़्यादा है नहीं, लेकिन ये मैच काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर हो जाएगा आखिरी में जाके, क्योंकि आखिर मतलब लास्ट के ओवर जो होने वाले वहाँ रन बनने वाले हैं नहीं, क्योंकि अपोनेंट के तगड़े तगड़े बॉलर आने वाले हैं। अभी तो गाइस ये टेलर है, अभी तो पूल मूवी बाकी है, यहाँ पे बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर भाई कहाँ से बॉल लेके आएगा, मेरे को लग रहा है ना भाई ये ग्राउंड के बाहर से बॉल लेके आ जाएगा, सिंगल देगा, अलग सीन बन रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन बात है ना भाई अपनी कनेक्शन ही नहीं बन रही है। और भाई कभी कभी ऐसा टाइम आता है ना कि आप कितना भी कोशिश करो, देखो यहाँ पे लेट ही हो गया, इस बार कैच हो गया, भाई कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि आप कितना भी परफेक्ट खेलो, कितना भी अच्छा खेलो, लेकिन ना तो टाइम होता है ना तो कनेक्शन होता है, कभी टाइम होगा तो भाई कनेक्शन नहीं बनेगा, ये वाला सीन अक्सर हो जाता है। इस बार रिवर्स गेंद थी पैटिशन के पास, पैटिशन जो है भाई बहुत बढ़िया गेंदबाज माने जाते हैं, पैटिशन जो है उनको भाई मैंने बताया भी था ये सिल्वर कार्ड है जहाँ तक मुझे पता है, और यहाँ पे देखो इनकी जो भाई पास है ना इनके पास पेस नहीं है, लेकिन हमने इस शॉट को ट्राई करते रखा और फाइनली इस बॉल को भेजा है बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए, कमाल का शॉट है। इस बार फिर से अच्छा शॉट, गैप में गई गेंद चौका, अरे भाई फील्डर कहाँ से आ गया, यहाँ पे चौका की जगह सिंगल मिला है आखिरी ओवर, सॉरी गाइस यहाँ पे चौथा ओवर करेंगे आई बटलर, और पहली गेंद गलत पोजीशन, लेकिन शॉट कमाल का है यहाँ पे, वो भाई छक्के को रोक लिया यार, कमाल की फील्डिंग, 4 रन बचाई अपनी टीम के लिए, बस 2 रन बने और ओवर थ्रो हुआ, लेकिन हम भाई गलती करने वाले नहीं है, 1 रन के लिए अपना विकेट नहीं गंवा सकते, लेकिन बल्ले का एज टाइमिंग खराब, सीधे बॉल यहाँ पे फील्डर के पास और जाएगी हमारी विकेट, 4 विकेट जा चुकी है, 9 बॉल में चाहिए 12 रन, अब एक और विकेट, 5 विकेट गिर चुकी है,
कहीं ना कहीं अपोनेंट की बॉलिंग काफ़ी तगड़ी हो चुकी है, लेकिन हमने देख लिया था पहले की बॉल बाउंस होने वाली है, इसलिए हमने 323 के लिए तैयार थे और यहाँ पे शानदार चौका निकाल के आखिरी ओवर में शर्मा आया है ऑफ स्पिनर गेंदबाज और रन चाहिए 8। पहली गेंद यहाँ पे कितना टर्न होगी, अरे भाई इसकी बॉल है ना भाई, कभी सीधे रह जाती है कभी एकदम वो लेग स्टंप पे आ जाती है वाइड से, भाई अलग सीन बनता है भाई इसकी गेंदबाजी को जज करने। लेकिन हमने भी सोच लिया था यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और देख लो प्यास भाई ये शॉट को भाई अब देख के आपको मजा आ जाएगा। एक बार इस शॉट का रिप्ले देखो भाई, कमाल की भाई शॉट लगी थी एकदम, ये देखो भाई सबसे एकदम कमाल खतरनाक शॉट था भाई ये। चलो गाइस यहाँ पे इस बार हम जीतने के करीब पहुँच चुके, मुझे पता था भाई अगर बॉल ज़्यादा अंदर आएगी हम पीछे चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं बैट पर बॉल आ गई और इसी बीच भाग के 2 रन पूरा करेंगे और 4.4 ओवर में इस मैच को 5 विकेट से हमने जीत लिया है क्राउन 1 के अगेंस्ट। तो गाइस वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बता देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे कर लो ताकि जब भी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और फ्री टूर्नामेंट खेलना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएगा, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो।